विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारियों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें बताया गया कि मुरादाबाद महानगर में सिविल लाइन स्थित पीली कोठी चौराहे के पास 23 मार्च से 26 मार्च तक विराट भक्ति सत्संग होगा, जिसमें आचार्य सुधांशु जी महाराज सत्संग प्रेमियों को संबोधित करेंगे। विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के प्रधान राकेश अग्रवाल ने कहा कि आज भव्य कलश और शोभा यात्रा मंडी चौक मोहल्ला बाजीगर राम स्थित शरबती देवी धर्मशाला से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई पीली कोठी स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी। हमारे पूज्य गुरुवर सुधांशु जी महाराज मुरादाबाद की जनता के बहुत अनुनय विनय के कारण और हमारे सभी गुरु दीक्षित भाई बहनों की अनुनय विनय के कारण यहाँ पर पधार रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। कल परसों दोपहर 11 बजे तक उनका पदार्पण मुरादाबाद शहर में हो जाएगा। पुष्पांजलि में उनका निवास स्थान है, वहाँ से हम ये चाहते हैं कि एक प्रेस वार्ता आप अवश्य उनसे करें 3:30 बजे। तत्पश्चात गुरुजी 4:30 बजे से यहाँ पर पंडाल में आएंगे, अपने प्रवचन से अपने उद्देश्यों से यहाँ की मुरादाबाद जनता को लाभान्वित करेंगे। मुरादाबाद की जनता से हम कहना चाहेंगे कि यहाँ पर अवश्य पधारें, हमारे गुरु के उपदेशों को सुनें, वचनों को सुनें, उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। हमारे गुरुवर अधिकतर गीता के ऊपर ही उपदेश देते हैं। गीता हमारे सर्व ग्रंथों में सर्वमान्य और सबसे मुख्य ग्रंथ हमारा गीता ही रहता है। सारा निचोड़ हमारे सभी ग्रंथों का गीता ही है, और गीता के ऊपर ही हमारे गुरुवर उपदेश दे करके सभी को लाभान्वित करते हैं। उन्होंने बताया कि कलश और शोभा यात्रा में पीतांबर वस्त्रों में 101 महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर बैंड बाजे की भक्ति धुनों के साथ चलेंगी। साथ ही आचार्य सुधांशु महाराज की फोटो वाली झांकी भी होगी। आचार्य सुधांशु जी महाराज का 23 मार्च को शाम 4 बजे से 6 बजे तक सत्संग होगा। इसके बाद 24 मार्च से 26 मार्च तक प्रतिदिन 9 बजे सुबह से प्रातः 11 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 6:30 बजे तक सत्संग होगा। 26 मार्च को मंत्र दीक्षा कार्यक्रम कथा स्थल पर होगा, जिसमें आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा गुरु भाइयों और गुरु बहनों को दीक्षा दी जाएगी। आयोजित होने वाला है और किस तरह की तैयारियां हैं आपके? भैया पंडाल हमारा लगना शुरू हो गया, बिल्कुल पंडाल तैयारी हो चुका है और उसमें महिला मंडल द्वारा रोज जो है भजन और करे जा रहे हैं 5 से 6 बजे तक। 22 तारीख को हमारी कलश यात्रा निकलेगी पानदरीबा से शरबती धर्मशाला से। 23 से जो है यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कथा स्थल पर, और 23 से 26 तक प्रोग्राम रहेगा महाराज जी का। 24 तारीख से सुबह और शाम दोनों टाइम रहेगा, और 23 तारीख की शाम को प्रोग्राम रहेगा महाराज जी का। क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मैसेज कन्वे करेंगे आप मुरादाबाद की जनता? मैं मुरादाबाद के श्रद्धालुओं से यही अपील करूँगा और यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और धर्म लाभ कमाएं, महाराज जी के प्रवचनों को सुनकर, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कथा स्थल में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 22 तारीख को शोभा यात्रा है, उसमें क्या विशेष रहने वाला है, किस तरह से? 22 तारीख को जो कलश यात्रा है वो बड़ी धूमधाम से जो है निकाली जाएगी। उसमें महाराज जी की फोटो और कितनी महिलाएं शामिल होंगी? करीब हमारी महिलाएं तो बहुत होंगी उसमें, लेकिन 101 कलश जो है लेकर निकलेंगी महिलाएं, और यही कार्यक्रम की रूपरेखा होगी। और इसी स्वरूप से जो है कलश यात्रा को पानदरीबा होते हुए मंडी चौक और अमरुआ गेट और चमक्का पुल होते हुए यही कथा स्थल पर समाप्त होगी। वहीं प्रेस वार्ता में विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल के प्रधान राकेश अग्रवाल के अलावा महिला प्रधान शोभा अग्रवाल, विवेक शर्मा, राजीव गुलाटी, सीए प्रवीण कुमार अग्रवाल आदि लोग मौजूद थे।